हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बेटियों पर बुरी नजर डाली तो दुर्गति तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को बनाया अभियान। बलरामपुर में किया मिशन शक्ति का श्री गणेश। शारदीय से बासंतिक नवरात्रि तक चलेगा नारी सुरक्षा सम्मान का महाअभियान। शोधों के लिए योगी का प्लान, पहले जागरूकता फिर काउंसलिंग, नहीं माने तो सामाजिक बहिष्कार। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शारदीय नवरात्रि पर मंदिर के शक्तिपीठ में किए देवी की आराधना। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। रविवार को लखनऊ होंगे रवाना। राजस्व परिषद की आयुक्त व नोडल अधिकारी मनीषा त्रिघाटिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई मिशन शक्ति अभियान की तैयारी बैठक। सभी विभागों को सामंजस्य बैठाकर अभियान को सफल बनाने के दिए निर्देश। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज ने वैदिक मंत्रों के बीच परंपरागत रूप से मंदिर के शक्तिपीठ में किया कलश स्थापना। मां भगवती की आराधना के साथ की लोक कल्याण की कामना। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के जन जागरूकता रैली को जिले के प्रभारी मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, शक्ति की देवी मां दुर्गा की तरह ही शक्तिशाली और स्वावलंबी बनेंगी बेटियां, दुष्टों को सिखाएंगी सबक। गुलरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुठहन टोला सोनबरसा जंगल समय माता स्थान के पास राणा प्रताप की बदमाशों द्वारा हत्या कर लाश फेंक देने के मामले के 24 घंटे के अंदर एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने किया सनसनीखेज खुलासा। कहा, अपनी प्रेमिका के साथ अवैध संबंधों को लेकर दोस्त द्वारा की गई थी हत्या। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई मिशन शक्ति की सफलता संबंधित बैठक। कहा, सभी विभाग मिलकर बनाए अभियान को सफल, जिससे मिल सके महिलाओं, बालिकाओं व बच्चों को उनका अधिकार। सुमेर सागर ताल के बाद अब खरैया पोखरा से भी हटेगा अवैध अतिक्रमण। एसडीएम सदर ने कहा, अतिक्रमणकारियों को कब्जा हटाने की दी गई है नोटिस। ताल को खाली कराकर किया जाएगा सुंदरीकरण, जिससे लोगों को मिल सके जल भराव से निजात। महानगर स्थित मुक्तिधाम राजघाट राप्ती नदी के तट पर जिला आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ के द्वारा किया गया मेगा मॉक ड्रिल। आम जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का एहसास। विभिन्न एजेंसियों ने मॉक ड्रिल में लिया हिस्सा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर ने कहा, लगातार हो रही जांच से कोरोना संक्रमितों की संख्या में आ रही है कमी। मृत्यु दर घटकर पहुंचा 1.6%। लोगों से की अपील, कहा अवश्य कराएं कोरोना की जांच। सहायक अध्यापक पद पर 599 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के अगले दिन सीएमओ कार्यालय और जिला अस्पताल में अपनी ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल फिटनेस बनवाने के लिए पहुंचे महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की देखने को मिली भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की खूब उड़ी धज्जियां, मूक दर्शक बना रहा अस्पताल प्रशासन। गोरखपुर में शनिवार को मिले 141 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 17,902। अब तक 297 कोरोना संक्रमित गंवा चुके हैं अपनी जान। एक्टिव मरीज हुए 1411। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। और शारदीय नवरात्र के पहले दिन देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कोरोना गाइडलाइन के तहत की गई पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं ने कोरोना के खात्मे के लिए मां भगवती से मांगी मन्नतें।